से वो लम्हा तो मुझे लगता है कि बहुत यादगार रहेगा सारी ज़िंदगी, क्योंकि वो लम्हा मुझे लगता है कि ऐसा होता है जब आप अपना नाम सुनना चाह रहे हैं और वो लम्हा डिले होता जाता है, करण और रिफिक डिले कर रहे थे, अभी बताते हैं, और पहली बार कुछ ऐसा महसूस किया जो बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस होता है। वो एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ मिल जाती है जो आप पाना चाहते हैं, तो आपको खुशी के जो आंसू महसूस होते हैं वो कुछ अलग ही होते हैं। तो बड़ी अजीब सी बात है, जैसे वो नाम अनाउंस हुआ इतनी ज़्यादा खुशी हुई, इट्स द हाइट्स एंड पीक ऑफ हैप्पीनेस, कि आई वॉज ऑल्सो लिटिल टीयरी आइड और ये भी थोड़ा सा रो रही थी। तो ये बड़ा अनोखा एक्सपीरियंस होता है जिंदगी में, बहुत ही यादगार लम्हों में से एक लम्हा रहेगा जब आपको नाम अनाउंस किया गया। आई वॉज शिवरिंग, आई थिंक आई वॉज वेरी स्केर्ड एंड आई वॉज शिवरिंग, और पूरी जो जर्नी थी वो आंखों के सामने जा रही थी और फास्ट फॉरवर्ड हो रही थी, और कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार बस ये मोमेंट अच्छे से निकल जाए, बस ये मोमेंट हमारा हो और हमारा नाम अनाउंस हो, ताकि हमारे पेरेंट्स, हमारे लाखों करोड़ों फैंस, उन्हें खुशी हो, हमारे कास्टिंग क्रू को खुशी हो, और बस हम खुशी बांटना चाहते थे और कुछ नहीं। सी उस समय इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था कि क्या होने वाला, फॉर्मेट पता नहीं था, पहली बार यू नो इस तरह का फॉर्मेट बनाया गया था, बट उस समय ये था कि डांस हमारी प्रायोरिटी रहेगी, लव चैलेंजेस हम थोड़ा बैक हैंड पे रखेंगे, उसको मज़े करेंगे, एंजॉय करेंगे, राइट स्पिरिट में खेलेंगे, डांस में हम अपना पूरा जी जान लगा देंगे, जितना अलग कर सकते हैं, जितनी डिफरेंट परफॉर्मेंसेस कर सकते हैं, एक लेवल बढ़ाएंगे अपना भी और नच का भी। क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म दिया गया है तो उसका भी एक बेंचमार्क होता है, और हर इंसान, हर टैलेंट चाहता है कि उस बेंचमार्क को क्रॉस किया जाए, और ऐसी ऐसी परफॉर्मेंसेज देंगे जो हमें भी याद रहे और आने वाले समय में हमारे बच्चों को भी याद रहे। अरे बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसे तो बयान कर सकते हो कि अमृता की आँखें कैसी हैं और नाक कैसी है और होंठ कैसे हैं, लेकिन वहाँ पर बयान करना बड़ा मुश्किल काम है कि वो, क्योंकि वो ज्योमेट्रिकली पूछते हैं आपसे कि वो त्रिकोणी हैं या फिर वो एजी हैं, और इतना ज़्यादा आप नहीं समझा पाते कि यार वो ऐसे होनी चाहिए या वैसे होनी चाहिए। तो मेरा तो मुझे याद है मैं वैसे ही करता परफेक्ट आईज, परफेक्ट आईब्रोज, तो वो कह रहे थे परफेक्ट की क्या डेफिनेशन है, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता। बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो कि अगर कभी आपको मौका मिले कि आप किसी को बयां कर सकें कि आपका लाइफ पार्टनर की आंखें कैसी हैं, होंठ कैसे हैं, तब कैसे बयां करोगे, तो इट्स ब्यूटीफुल इन अ वे। नहीं, मुझे रणवीर सिंह बेहद पसंद है मुझे रणवीर सिंह, और इनको दीपिका पादुकोण स्ट्रेंजली बताओ मतलब वो उसका ही इज इन रिलेशनशिप विद दीपिका ओनली एज वी ऑल नो यार, सो हम लोगों को दोनों वो पसंद है। आई थिंक स्पेशल तो पूरी जर्नी रही है, क्योंकि आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट यू नो डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद उसका मज़ा नहीं होता, जर्नी में मज़ा होता है। जब आप कहीं पहुंचने के लिए गाड़ी से निकलते हो और पेट्रोल भरवाते हो और बीच में रुक के आप बारिश का मज़ा लेते हो या फिर भुट्टा खाते हो, आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट यू नो वो जर्नी और भी रंगीन बना देता है। और मेरे लिए डेस्टिनेशन से ज़्यादा, बिकॉज कहीं ना कहीं वो विनिंग वॉज ओनली फॉर 5 मिनट्स, लेकिन वो वहाँ तक पहुँचना, अपना नाम सुनना, आई थिंक दैट वॉज रियली अमेजिंग। करेक्ट, यादगार लम्हा मैंने आपको बयान कर दिया, जो विनिंग मोमेंट का जो लम्हा होता है जब खुशी के मारे आंसू निकल आते हैं, तो इससे बड़ा लम्हा मुझे लगता हो नहीं सकता। I think it's the same. I think the way I was shivering and I was looking at my mom, Pratik and Prithvi, I think that was something I'll never forget.